नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों इस बार के आईपीएल के पूरे सीजन को बीसीसीआई अपने देश के बाहर होस्ट करने के बारे में विचार कर रही है और इसका मन भी पूरी तरह से बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने यह खुलासा किया है कि देश में जो है आईपीएल 2020 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आयोजन देश के बाहर ही किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई और क्रिकेट की रोजाना अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, अभी हाल ही में बीसीसीआई के हवाले से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जिसमें यह माना जा रहा था कि आईपीएल का पूरा सीजन मुंबई में होने वाला है और यहीं पर 3 या 4 स्टेडियम में सारे मुकाबले खेले जाएंगे, सभी खिलाड़ी मुंबई ही आकर यहाँ पर ही आईपीएल खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ये बयान दिया है कि आईपीएल 2020 का पूरा सीजन भारत के बाहर कराया जा सकता है और इसकी मेजबानी की रेस में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और श्रीलंका सबसे आगे हैं। इसको लेकर अंतिम फैसला जल्दी होगा, क्योंकि बीसीसीआई इसी साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आधिकारिक फैसला आने का इंतजार कर रही है, और अगर ICC इसे पोस्टपोन कर देती है तो बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन कंफर्म सितंबर से नवंबर के बीच में करा सकती है। दोस्तों, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने IAANS से बात करते हुए कहा है कि विचार तो लीग को भारत में कराने का था, लेकिन COVID-19 के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वो बोर्ड को लीग को UAE या श्रीलंका ले जाने के लिए मजबूर कर सकती है। अधिकारी ने कहा है कि हमें अभी भी जगह को लेकर फैसला लेना है, लेकिन संभावना कई ज़्यादा इस बात की है कि यह लीग इस साल देश के बाहर ही होगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि भारत में स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कई सारी टीमें एक या दो जगहों पर आए और एक ऐसा वातावरण बनाए जो खिलाड़ियों के अलावा आम जनता के लिए भी ठीक है, चाहे मैच बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में ही क्यों ना खेले जाए। उन्होंने कहा कि मेजबानी को लेकर रेस UAE और श्रीलंका के बीच है, हमें इस पर फैसला लेना है कि कहाँ लीग करानी है और इसके लिए वहाँ की कोरोना वायरस स्थिति को अच्छे से देखना होगा, व्यवस्था को भी देखना होगा, हम जल्दी फैसला लेंगे। शुरुआत में लीग का भारत में ही कराने का मन था, लेकिन मौजूदा स्थिति के मुताबिक यह साफ है कि कुछ टूर्नामेंट्स को देश से बाहर ले जाना होगा। दोस्तों, IAANS ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बीसीसीआई में फैसला करने वाले लोग लीग कहाँ करानी है इसे लेकर 3 दो के हिस्से में बटे हुए हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों ये चाहते हैं कि इसका आयोजन भारत में ही हो, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है, वो ये चाहते हैं कि भारत में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आयोजन देश के बाहर ही कराना ठीक होगा। अब ऐसे में दोस्तों, बीसीसीआई क्या फैसला लेती है आने वाले टाइम में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल खबरें ऐसी ही निकल कर आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो पूरा मन बना चुकी है कि आईपीएल 2020 का पूरे सीजन का आयोजन यूएई या फिर श्रीलंका में ही होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।